morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in home and happy with your family. So, dear students, welcome back in our online class after PT1. PT1 आपका complete हो चुका है और अभी हम चलते हैं हमारे half yearly के syllabus की ओर. तो बेटा देखो, ये half yearly के जो आपका syllabus है उसके according हमने मैंने आपको first, second और three chapter दिए हैं PT1 में. ओके, और fourth chapter जो है आपके वो आप half yearly में आएगा. ओके, हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पुनरावर्ती कर ली है और हम फिफ्थ चैप्टर को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. तो मैंने आपको लास्ट वीक बेटा ये जो फिफ्थ चैप्टर है वो ऑलरेडी स्टार्ट करवा दिया था. आई आपको भी पता होगा, आप जाके बुक पे देखो, स्टार्ट करवा दिया था. और मैंने इसका जो फ्रंट पेपर है ये थोड़ा सा बड़ा लेसन था, है ना, तो मैंने आपको ये हाफ करवा दिया था. ओके, आप चाहो तो एक बार फिर से वो वीडियो देख लेना. मैंने हाफ आपको यहाँ तक करवा दिया था, फिर मैंने आपको बोला था कि हाफ हम नेक्स्ट क्लास. तो आज मैं आपको ये हाफ जो है वो रिमेनिंग जो लेसन है वो कंप्लीट करवाऊंगी और उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सरसाइज भी करवा दूंगी. ठीक है बेटा, तो चलते हैं आज हमारे फिफ्थ लेसन का जो व्यू को आपका जो पेज बचा था वो हम कंटिन्यू करेंगे आज. तो चलिए शुरू करते हैं. टेक योर टेक्स्ट बुक इन योर हैंड. रीना अनीता च नृत्यत. रीना और अनीता नाच रही है. बालिकाएं नृत्य कर, बालिकाएं नाच रही. अब देखो यहाँ पे बालिके को आया. देखो बेटा ये मैं थोड़ी देर एक्सप्लेन करके तुम्हें साथ साथ आपको समझाएगा. ये बालिके, अब बालिके जब ए की मात्रा बात आ जाती है तो इसका मतलब होती है कि दो बालिका है ना, दो बालिका. ये मैंने आपको बताया हुआ जैसे बालिका के तत्पर व्यक्ति लिखते ना, तो देखो बालिका यानी एक बालिका, एक वचन, ये एक वचन है. फिर आता है द्विवचन तो बालिके बन जाता है, यानी दो लड़कियाँ. फिर बहुवचन में बहुत सारी लड़कियां आपको कैसे लिखते हैं, बालिका, यानी कि आगे भी सर ये है, ये एक वचन है, द्विवचन है, ये बहुवचन है, इसी का बालिका बढ़ता है ना. एक लड़की, दो लड़की और बहुत सारी लड़कियां. ठीक है, एक बालिका, दो बालिका और बहुत सारी बालिकाएं. ठीक है बेटा, तो बालिके नृत्य तह बालिकाएं नाच रही है, ते नृत्य पे नाच. स अश्व अस्ति वह घोड़ा है. स का मतलब वह अश्वनी घोड़ा. अश्व धावती, धावती का मतलब होता है दौड़ना, तो घोड़ा दौड़ रहा है. स धावती वह दौड़ रहा है. तौ अश्व अस्व, अब देखो यहाँ पर स आया था, स अश्व यानी वह घोड़ा, यहाँ पे तौ आया है. क्यों? क्योंकि स का द्विवचन क्या होता है, स द्विवचन क्या होता है, तो यानी कि दो घोड़े, और अगर बहुत सारे घोड़े तो ते, ते अश्व, स अश्व, तौ अश्व, ते अश्व. ठीक है, अब ये बालिका जैसे देखो स्त्रीलिंग वाली लाइन है. अब मैं यहाँ पर एक पुल्लिंग वाली लाइन लिखती हूँ, अश्व से लिख देते हैं. ठीक है, देखो जैसे कि पुल्लिंग का अगर एक वचन होता है तो अश्व है एक घोड़ा, जैसे द्विवचन दो घोड़े हो जाएंगे वैसे औ की मात्रा आ जाएगी, तौ अश्व, तौ पे भी दो मात्रा आती है, अश्व पे दो मात्रा आती है, द्विवचन होगा तो पूरा ही आएगा. और ते अश्व यानी कि बहुत सारे घोड़े. तो ध्यान रखने वाला है ये चीज, अगर स आएगा तो अश्व आएगा, पीछे भी से पीछे भी से, औ की मात्रा, औ की मात्रा. और अगर ते आता है यानी बहुवचन आता है तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, अगर ते आता है तो अश्वहा हो जाएगा, अश्वहा आएगा तो उसके आगे ते लिखना होगा, ये दोनों बहुवचन. ठीक है, तो बहुवचन साथ में बहुवचन वर्ण लिखा जाता है. तो तौ अश्व, वे दोनों घोड़े हैं. अश्व धावत, घोड़े दौड़ रहे हैं. तौ धावत, वे दोनों दौड़ रहे हैं. ते अश्वासन, देखो क्या है, ते अश्व संति मतलब है वे सब घोड़े हैं. अश्व धावंती, घोड़े दौड़ रहे हैं. पट्टे धावती, वे दौड़ रहे हैं. सांप पिपीलिका अस्ति, पिपीलिका का मतलब होता है चींटी. क्या मतलब होता है, चींटी. तो वह चींटी है. पिपीलिका गच्छति, चींटी जा रही है. गच्छति का मतलब होता है जाना, तो गच्छति यानी जा रही है. और सा गच्छति, वह जा रही है. ते अजे स्त, ते अजे स्त. अब देखो बेटा एक चीज और बताती हूं आपको मैं, ये तो है आपको पता है पुल्लिंग वाली लाइन, स्त्रीलिंग वाली लाइन में क्या आ जाएगा, सा ता. तो यहाँ पर देखिए दो बकरियां हैं, दो बकरियों के लिए एक वचन, द्विवचन और दो वचन. तो द्विवचन की संख्या क्या है, ते, है ना, क्योंकि अजय दो बकरी है. ते अजय वे दोनों बकरियां हैं. अजय चरत, बकरियां चर रही हैं. ते चरत, वे दोनों चर रही हैं. ता चटका संती, वे सब चिड़िया हैं. चटका उत्पतंती, चिड़िया उड़ रही है. ता उत्पतंती, वे सब उड़ रही है. उत्पतंती का मतलब है उड़ना.
गायक अस्ति, वह गायक का मतलब होता है सिंगर, गाने वाले, ठीक है। स गायक अस्ति, वह गायक है। किम त्वं भजन गायक अस्ति, क्या तुम भजन गाने वाले हो? क्वेश्चन मार्क पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम भजन गाने वाले हो। किम का मतलब आपको पता है ना, क्या, एक क्वेश्चन मार्क जो है वर्ड है क्या, तो क्या तुम भजन गाने वाले हो? आम यानी यस, हाँ, अहम भजन गायक अस्मि, आम का मतलब होता है यस, है ना, आम में स्मैको नहीं होता है बेटा, आम का मतलब होता है यस। तो हाँ, अहम का मतलब होता है मैं, भजन गायक अस्मि यानी मैं भजन गाने वाला हूँ। ओके राइट, अंडरस्टूड। तो वादक, अब देखो गायक का मतलब होता है सिंगर, गाने वाला, और जो वादक का मतलब होता है वो होता है मंत्र बजाने वाला, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, है ना, उनको वादक कहते हैं संस्कृत में। तो तौ वादकोस्त, देखो तौ का मतलब ये बताया था आपको, तौ का मतलब होता है वे लोग, और इसके साथ में जो भी वर्ड आता है उसमें भी डबल मात्रा यानी औ की मात्रा ही लगती है। तो देखो यहाँ पर भी लगी ना, जैसे तौ लगी ना यहाँ पर, देखिए ये तौ, तौ के साथ में वादक है तो वादक पे भी औ की मात्रा लगी, यानी तौ वादकोस्त यानी वे दोनों वादक है, बजाने वाले हैं। किम युवाम वीणा वादकोस्त, क्या तुम दोनों वीणा वादक यानी वीणा को बजाने वाले हो? वीणा जानते हो ना, वीणा किसे कहते हैं, ये जिसके हाथ में जो है ना डले हुए वो है ढोलक है, तो ढोलक भी वीणा, वीणा जो होती है ना उसको कैसे कहते हैं, ये देखिए इसके हाथ में जो आपको दिख रही है, यू कैन सी इन द पिक्चर्स, ये इसको वीणा कहते हैं, है ना, एक लंबी साइन से बजाने वाली होती है, बट ये है ढोलक। फिर भी यहाँ हमको जो लिखा हुआ है हमें तो वही रीड करना है कि क्या तुम दोनों वीणा बजाने वाले हो? नहीं, अब जवाब करेक्ट आएगा कि दोनों क्या बजाने वाले हैं, देखो नहीं, आवाम मृदंग वादकोस्त, मृदंग का मतलब होता है ढोलक, है ना, तो हम दोनों ढोलक बजाने वाले हैं। ओके, कि क्या तुम दोनों वादक हो? नहीं, हम दोनों, क्या तुम दोनों वीणा बजाने वाले हो? नहीं, हम दोनों ढोल बजाने वाले हैं, ढोलक बजाने वाले। ओके, लास्ट करेगा, ते नर्तका सन्ति, वे सब नाचने वाले हैं, नर्तका मतलब होता है डांसर। ओके, डांसर, तो देखो यहाँ पे आपकी मात्रा विसर्ग किससे आया है, देखो एक वचन होता है तो नर्त, द्विवचन होता है तो नर्तको, और बहुवचन है तो नर्तका, तो यहाँ पे भी नर्तका है यानी कि बहुवचन, तो ये टे के साथ में, समझ में आ रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे टे के साथ में नर्तका आया, क्यों, क्योंकि दोनों बहुवचन वर्ड लाइक दैट। ओके, तो ते नर्तका सन्ति, वे सब नाचने वाले हैं, डांसर है। कि यूयम कथक नर्तका, क्या तुम दोनों कथक नाचने वाले हो? कथक डांस देखा है, यू नो डांस फॉर्म होती है कथक, यानी एक तरह का डांस फॉर्म है, जहाँ कथक वगैरह जो साउथ साइड में चलता है वो फेमस होता है, आजकल तो आप जानते नहीं हो कथक वगैरह फोक डांस जो है ना आपको बिल्कुल दिखते ही नहीं है आजकल, आपको हिप हॉप और ये कंटेम्प्रेरी क्या क्या डांस फॉर्म है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये जो है एक फोक डांस है, कथक है। तो यूयम कथक नर्तका, तुम सब कथक नृत्य करने वाले हो? आम यस, वयम कथक नर्तका, हम सब कथक नाचने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया है, छोटा सा चैप्टर ही बचा था आपका, एक पेज मैंने लास्ट वीडियो में करवाया, एक पेज मैंने जो आज वीडियो में करवाया, इसलिए क्योंकि एक साथ करवाने से आपको समझ में भी कम आएगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगी, फिर एक साथ आपके भी दिमाग में क्या बन जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैंने हाफ जो डेट ड्यू रखा था और आज कंप्लीट करवाया, ठीक है बेटा। तो आपको जो है मैं थोड़ी देर में एक्सरसाइज क्या करनी है अपनी नोटबुक में वो मैं फिल करके आपको सेंड कर दूंगी, प्लीज यू वेट फॉर सम टाइम एंड प्लीज ट्राई, आप अगर ट्रांसलेशन एक बार खुद कर पाओगे, हाँ मैम उनको क्या बताया था, एक बार अच्छे से इसको थोड़ा ध्यान से देख पाओ, तो आपके लिए आगे लेसन में रीड करना या समझ पाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके चिल्ड्रंस, तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम।